स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉइस इंडस्ट्री की। इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉइस ओवर की। तो सबसे पहली चीज, वॉइस ओवर क्या है? अगर आप देखेंगे, आप अपनी डेली लाइफ में, अपनी रोज की जिंदगी में वॉइस ओवर से घिरे हुए हैं। चाहे आप टीवी पे अगर कोई कमर्शियल सुनते हैं, या फिर आप रेडियो पर कोई एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं, या फिर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं यूट्यूब पर या कहीं भी, या फिर कोई ई-लर्निंग का वीडियो हो सकता है, या फिर कोई मोबाइल ऐप का एक्सप्लेनर वीडियो भी हो सकता है। मोबाइल ऐप के बैकग्राउंड में होता है ना जो वीडियो बताता है, ज्यादातर 90% उन वीडियोस में किसी ना किसी की आवाज होती है। तो ये सब कौन करता है? एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट करता है, मेल हो या फीमेल हो। वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम होता है बैकग्राउंड में उस स्क्रिप्ट को नरेट करना, जिसको आप देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। हम थोड़ा और कैटेगराइज करते हैं वॉइस ओवर को, जैसे वॉइस एक्टिंग। वॉइस एक्टिंग क्या होता है? अगर दो अलग अलग कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं, अगर आप कोई एड सुनते हैं उसमें दो अलग अलग कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं, तो उस केस में वॉइस एक्टिंग भी आती है। मतलब स्क्रिप्ट को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पे एक्सप्रेशंस भी देने होते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन जैसे होगा एक्साइटेड, या फिर जैसे गुस्से वाला एक्सप्रेशन या सरप्राइजिंग वाला एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं वॉइस एक्टिंग। इसके अलावा हम थोड़ा और कैटेगराइज करते हैं वॉइस ओवर को, डबिंग। तो डबिंग क्या होता है? अगर आप कोई इंग्लिश मूवी हिंदी में देखते हैं तो हम कह सकते हैं इस मूवी को डब किया गया है। जैसे हॉलीवुड मूवी होगी, और जाहिर सी बात है उसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है, तो उसको डब करा जाता है। तो नॉट जस्ट हिंदी, कोई भी अलग लैंग्वेज हो सकती है। तो डबिंग, वॉइस एक्टिंग, वॉइस ओवर, इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत अभी डिस्कशन की। तो वॉइस इंडस्ट्री कोई नई चीज नहीं है। वॉइस ओवर, वॉइस एक्टिंग, डबिंग जमाने से चलती आ रही है। जिस जमाने से टेलीविजन आया था, जिस जमाने से रेडियो आया था, जिस जमाने से अनाउंसमेंट होनी शुरू हुई थी, वॉइस ओवर तब से चलता आ रहा है। तो इसमें करियर ऑप्शंस तो पहले से थे, अपॉर्चुनिटीज पहले से थी, लेकिन इंटरनेट के आने से अपॉर्चुनिटीज और बढ़ गई। आप देखेंगे कितनी सारी ऐसी कंपनीज है जो इंटरनेट के जरिए अपना वीडियो बनाकर अपने बिजनेस के बारे में बताती है, और उसमें ज्यादातर किसी ना किसी की बैकग्राउंड पे वॉइस होती है। मोबाइल ऐप्स की मैं बात कर चुका हूँ, इतनी सारी आजकल मोबाइल ऐप्स आ गई है जिसमें हम स्टोरीज को सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं। तो यहां पे हर जगह पे वॉइस की जरूरत पड़ती है। अगर मैं बात करूं डबिंग की, पहले सिर्फ पिक्चरों की डबिंग होती थी, आजकल वेब सीरीज की भी डबिंग होती है। और वेब सीरीज कितनी है? अगर आप सिर्फ Amazon Prime और Netflix की बात करेंगे, वहीं आपको हजारों वेब सीरीज मिल जाएंगी। तो इंटरनेट के आने के बाद वॉइस इंडस्ट्री में काम अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है। कंपटीशन भी बढ़ा है, कंपटीशन तो हमेशा से है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ी। तो आज हमने सिर्फ बात की वॉइस इंडस्ट्री की, डबिंग, वॉइस ओवर, वॉइस एक्टिंग, थोड़ा बहुत हम आज डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। आने वाली कई वीडियोस में आपको बताया जाएगा वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं, आप कैसे वॉइस इंडस्ट्री में करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।